आज हम लेकर आए हैं नवरात्रि स्पेशल, बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा ये चाट, जिसे आप एक नए तरीके से बना सकते हैं। बिल्कुल न्यू रेसिपी है, बनाना बहुत ही इजी है, और अगर आपका 9 दिन फास्ट है तो आप इसे जरूर जरूर से ट्राई करें, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। बनाने का जो तरीका है, आप झटपट इसे 10 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये टेस्टी सा पापड़ी चाट। इसके लिए हम लेते हैं एक बर्तन, कटोरी या कोई भी बर्तन आप लीजिए। इसमें हम डालते हैं सिंघाड़े के आटा। तो इसके लिए जो हम पापड़ी तैयार करेंगे वो सिंघाड़े के आटे से तैयार करेंगे। तो आज तक आपने कटोरी चाट खाई होगी, प्लेट चाट खाई होगी, लेकिन आज हम बनाएंगे सिंघाड़े के आटे का चाट। इसके लिए हम कटोरी में यहाँ पे सिंघाड़े का आटा डाल देते हैं आधा कप के करीब। इसमें हम डालते हैं नमक 1/4 चम्मच। नमक को हम मिक्स कर देते हैं पहले आटे में। तो ब्रक में जो सिंघाड़े का आटा होता है खाया जाता है, तो इसी से आप बनाइए और इस नवरात्रि में स्पेशल सा चाट का आप स्वाद लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसमें देखिए थोड़ी थोड़ी गुठलियां पड़ गई हैं, लेकिन इसमें एक बार और हम पानी डालेंगे और उसको अच्छी तरह से 5 मिनट में हम फेंट लेंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स या गुठलियां ना रहे। तो अच्छी तरह से जो सिंघाड़े का आटा फिट गया है, इसको एक बार और भी अच्छी तरह से घुमा घुमा करके हम फेंट देंगे। तो यहाँ पे फेंटने के बाद इसको हम रख देते हैं, और तब तक हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाते हैं। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल या घी, जो भी आप व्रत में खाते हो। और ऑयल डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे जो छोटे वाले साबूदाना होते हैं उसको डालते हैं। अगर आपके पास बड़े वाले हो तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं तो छोटे वाले ही डालिए। तो यहाँ पे साबूदाना हमने डाल दिया है, और इसको हम इसी में फ्राई कर लेते हैं। चलाते रहेंगे गैस की हाई फ्लेम पे से, जितना हम फ्राई करेंगे चलाएंगे उतना ही जो साबूदाना जितना बड़ा हमने डाला उसे डबल हो जाएगा और क्रिस्प हो जाएगा। जैसे इसे हम तोड़ेंगे अच्छी तरह से टूट जाएगा, अगर कच्चा रहेगा तो दांत में जाकर के चिपक जाएगा। इसको अच्छी तरह से आप 5-6 मिनट जितना भी समय लगे आप इसे फ्राई कर लीजिए, और उसको एक बार फोड़ करके आप देख भी लीजिए। यहाँ पे साबूदाना जो फ्राई हो गया तो इसको हम निकाल लेते हैं। उसी तेल में हम डाल देते हैं मूंगफली, मूंगफली को भी हम फ्राई कर लेते हैं। आप चाहते इसमें मखाने या ड्राई फ्रूट वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल तरीका बता रही हूँ, जो भी आपके पास हो उतने में आप बना करके खाइए। यहाँ पे मूंगफली भी देखिए अच्छी तरह से भुन गई है, इसका जैसे ही कलर चेंज हुआ, डार्क हुआ, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं, उसी साबूदाना वाले कटोरे में निकालते हैं। कहीं अलग निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी को हमें मिक्स करना है। अब हम लेते हैं एक पॉलीथीन, कोई भी आप पॉलीथीन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं घी वाला पॉलीथीन ले रही हूँ। घी निकालने के बाद जो पॉलीथीन है इसके ऊपर से गत्ते भी लगे रहते हैं, उसको हमने निकाल लिया है। और पॉलीथीन के एक साइड को पूरा हम काट लेते हैं ताकि इसका मुंह खुल जाए, और नीचे थोड़ा सा हम काट लेते हैं। फिर इसमें हम सिंघाड़े का बैटर डालते हैं, और बैटर डालने के बाद जो आप ऊपर रबड़ लगा सकते हैं या ऐसे ही बना सकते हैं। फिर नॉन स्टिक तवा हम चढ़ाते हैं, गैस को ऑन करते हैं, ब्रश से तेल को ग्रीस कर देते हैं तवे पे। नॉन स्टिक तवे पे बनाए, नहीं तो चिपका करके जो सिंघाड़े का आटा होता है चिपक जाता है। यहाँ पे देखिए तेल को हमने ग्रीस कर दिया है, और जब तवा गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे जो हमने बैटर डाल करके रखा है पॉलीथीन में, उसी से इसको इस तरीके से हम फैला देते हैं। पहले तो हमने सोचा कि जलेबी का आकार देंगे इसे गोल गोल घुमा करके, लेकिन फिर सोचा कि इसको इसी तरीके से बनाते हैं, छोटे छोटे पापड़ी टाइप के। तो यहाँ पे इसी आकार का हमने इसको बना लिया है, और थोड़ा बैटर हमने बचा करके भी रखा था, उसको दोबारा इसी पॉलीथीन में डाला और पूरे तवे पे हमने बैटर को फैला दिया है इसी तरीके से। और जो कटोरी में थोड़ा बहुत लगा हुआ था उसको हमने चम्मच से टाल दिया है। अब इसको तवे को हम घुमा घुमा करके सेक लेंगे, और जैसे ही हार्ड हो जाएगा, थोड़ा सा ही सिक जाएगा, तो इसके ऊपर से ब्रश से फिर ऑयल लगा देते हैं। तो यहाँ पे पूरे नाश्ते पे हम ब्रश से ऑयल को ग्रीस कर देते हैं, और उसको इसी तरीके से तवे को थोड़ा सा घुमा घुमा करके हम सेकेंगे, क्योंकि जो आँच रहती है गैस की वो बीच में ही लगती है, किनारे किनारे नहीं लगती है, इसलिए इसको घुमा घुमा करके सेकना है। और यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से सिक गया है, देखने में लग रहा है कि ड्राई हो गया है, तो इसको हम दूसरी साइड पलट देते हैं। और यहाँ पे हम लिखने पलटा है उसको दूसरी साइड पलटते हैं, तो इसका नीचे का कलर देखिए बहुत ही क्रिस्पी सिका था। तो जब नीचे का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा, तो उसको हम दूसरी साइड पलट देते हैं सभी को। यहाँ पे देखिए कलर तो इसका बहुत ही प्यारा आया था। और इसे पलटने के बाद इसको गैस की फ्लेम को धीमा कर देते हैं, और इसको ऐसे सेकने देते हैं दूसरी साइड से। तब तक हम टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च को काट लेते हैं जो व्रत में खाया जाता है। यहाँ पे देखिए हमने एक हरी मिर्च ली, और टमाटर यहाँ पे आधा हम लेते हैं। बहुत लोग टमाटर खाते हैं, बहुत लोग नहीं खाते हैं, तो अगर आप खाते हैं तो डालें, नहीं तो इसे स्किप करके आप यहाँ पे खीरा वगैरह डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए टमाटर को हम पतले पतले पीस में काट लेते हैं, और काटने के बाद यहाँ पे जो हरी मिर्च है इसको भी काट लेंगे। सभी चीजों को हमने धुल करके प्लेट में रखा था, यहाँ पे हरा धनिया हम डाल देते हैं, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे सभी चीजों को काट करके हम प्लेट में रहने देते हैं, और बाकी इसमें कोई भी चीज डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए
रहने देंगे। अब हम ये साबुदाना है, मूंगफली है, इसको हम डालेंगे प्लेट में। यहाँ पे हम इसको प्लेट में हम डालेंगे, जिसमें हमने टमाटर धनिया पत्ता काट कर रखा है, और थोड़ा इसमें डाल देते हैं। और उसमें डाल देते हैं नमक 1/4 चम्मच। यहाँ पे भुने हुए जीरा का पाउडर डाल देते हैं, जिससे कि ये चटपटा सा बनेगा। और इसको हम मिक्स कर देते हैं चम्मच से। और चाट को चटपटा बनाने के लिए चाट का स्टफिंग हमने तैयार कर लिया है। अब चलिए हम देखते हैं पापड़ी को। तो ये अच्छी तरह से दोनों साइड से सीख गए, तो इसको फिर उसी साइड हम कर देते हैं जिस साइड से इसको हमने दूसरी साइड पलटा था। और फिर 1-1 चम्मच उठा करके स्टफिंग को हम रखते हैं। और देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटा पापड़ी चाट बन करके तैयार हो गया है। तो इस नवरात्रि में आप ये स्पेशल सी रेसिपी आप जरूर ट्राई करें। और यहाँ पे देखिए सभी पे हमने रख दिया है। और रखने के बाद चलिए इसको हम प्लेट में सर्व करते हैं। तो यहाँ पे लीजिए बन करके, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आप एक बार ट्राई करें, बार बार पूरी नवरात्रि आप इसे खाना पसंद करेंगे। इतना ज़्यादा आपको पसंद आएगा तो है ना, बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता। तो आप बना करके इसे ट्राई करें और हमारे वीडियो को ढेर सारा प्यार दें। और यहाँ पे ये बन करके तैयार है, जिसको हमने पूरी प्लेट में रख दिया है।